राजगढ़ जिले में दलितों की बारातों पर पत्थर बरसाने वालों के मकानों पर चला पुलिस व प्रशासन का बुलडोजर। राजगढ़ जिले में एक सप्ताह में दो मामले में दलित समाज के दूल्हों की बारातों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थर बरसाए गए थे, जिस पर पुलिस ने पिपलिया कला की घटना के मामले में 22 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर 8 शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए थे। वहीं जीरापुर नगर में हुई दूसरी घटना के पश्चात 8 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया था। वहीं गुरुवार को राजगढ़ जिले के पिपलिया कला व जीरापुर नगर में पुलिस व स्थानीय प्रशासन की टीम के द्वारा दलितों की बारातों पर पत्थर बरसाने वाले आरोपियों के अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलवाया गया है। सर, राजगढ़ जिले में दो जगह गद्देवश दलितों की बारात पर पत्थर बरसाए गए थे, तो इसमें पुलिस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है? दोनों जगह, चाहे पिपलिया कला हो और जीरापुर, दोनों जगह मामले दर्ज कर लिए गए। जीरापुर में 8 आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया, पिपलिया कला में 5 से ज़्यादा आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों जगह 6 से 8 लाइसेंसेस को निरस्त कर दिया गया। जीरापुर और पिपलिया कला में तहसीलदार, CMO और प्रशासन के द्वारा जो अवैध अतिक्रमण है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते हैं क्या है दोनों मामले जिन पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया गया है। पहला मामला राजगढ़ जिले की पिपलिया कला गांव का है, जहां छापी हेड़ा थाना क्षेत्र से आई एक दलित युवक की बारात को असामाजिक तत्वों के द्वारा गांव के अंदर घुसने से रोका गया था व पुलिस पर पत्थर भी बरसाए गए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था व 8 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। वहीं उसके दो दिन बाद ही राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर में एक और मामला सामने आया, जहां बैंड बजाने की बात को लेकर सुसनेर से राजगढ़ पहुंची एक दलित दूल्हे की बारात पर पत्थर बरसाए गए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया था। उक्त दोनों मामलों में गुरुवार को आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस व प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपियों के अवैध निर्माणों को चिन्हित कर किया गया व उनके मकानों पर बुलडोजर चलवाया गया है।